बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर अलियास। और आज जो है इस लेक्चर में मैं आपको आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, ये आपकी सारी की सारी फार्मूलाज की मदद से होगी। आपको वो सारे फार्मूले मैं पहले आपको बता देता हूं। इसके अलावा ये फार्मूले आपके ओवरऑल सारी एक्सरसाइज में कोई किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं। तो आपने ये फार्मूलाज जो हैं अच्छी तरह याद करने हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। एमसीक्यूज में भी आपको आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका फर्स्ट फार्मूला वो है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका पहला फार्मूला हो गया। ओके जी, अब दूसरा फार्मूला अब देखिए इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाएगा, वैल्यू सारी वही है। ठीक है जी, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर दरमियान में माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस माइनस किया जाए तो हमारे पास 4ab बन जाता है। उसके बाद थर्ड फार्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। आप बी क्यूब को लास्ट पे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसी का हमारे पास माइनस वाला फार्मूला है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, नंबर 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए का क्यूब है और बी का क्यूब है, दरमियान में प्लस है, यानी कि वहाँ पर होल क्यूब था, यहाँ पर सिंगल क्यूब है, यानी कि अलग अलग है। तो इसको आप करेंगे ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि जहाँ बाहर प्लस होगा तो अंदर आपका क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। नंबर 5 पे हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा जी ए माइनस बी, बाहर माइनस आ जाएगा और अंदर लिखा जाएगा जी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। प्लस वाले में बाहर प्लस होगा, अंदर माइनस आ जाएगा, इस तरह भी याद रखें, माइनस वाले में बाहर माइनस हो जाएगा और अंदर आ जाएगा प्लस, ये हो गया जी। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा एक और नंबर 6 नंबर पे हमारे पास फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। इसको जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो बनता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। उसके बाद प्लस 2 लगाएंगे हम आगे ब्रैकेट में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc 2ca, नंबर 6। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास जो हम आम रूटीन में फार्मूलाज यूज़ करते जा रहे हैं, अब वो हम मैं लिखने लगूँ आपके लिए, वो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल होता है जी, एक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हम इसको एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं जी माइनस। और नंबर 8 पे आपके लिए फार्मूला जी ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं छोटी क्लासेस में। तो ये किसके इक्वल होता है जी, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसी का हमारे पास 9th वाला फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो ये इक्वल होगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये इसके साथ जो है देखिए, प्लस या माइनस का फ़र्क पड़ेगा, बाकी दोनों चीज़ें आपकी वही रह जाएंगी। तो जी बच्चों, ये हैं हमारे पास कुछ फार्मूलाज जो आपके जनरल मैथ में यूज़ होंगे, तो अलहासों पे अलजबरा वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे ये आगे जाके। तो इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, याद करके आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी मुश्किल पेश ना हो।
तो आपने जो है इसका होमवर्क वगैरह कर लेना, एक पेज पे लिख लेने हैं और ऐसी जगह पे लगा लेना हैं जहाँ पर आपका रोज़ आना जाना हो, तो गुजरते वक्त आपकी उस पर नज़र पड़ती रहे, तो आप इसको इजीली याद रख सकें, आपको भूलें ना फार्मूलाज। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पे 1.2 आपको करवाने जा रहा हूँ, तो ये फार्मूले ज़ाहर आपने किए होंगे तो वो आपसे होगी, तो आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।